चल निकाल दो यार। तो डी ब्लॉगिंग वर्ल्ड के कुछ बंदे कुछ कहना चाहते हो आप दीपक गिरी? तो ये देखिए, ये राष्ट्रीय दीपक दीपक, तो ये है डी ब्लॉगिंग वर्ल्ड के हमारे उस्ताद। तो मैं इनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बंद कर, लाल स्विच दबा दो, लाल स्विच दबा दो। हाँ हाँ, तो डी ब्लॉगिंग वर्ल्ड के कुछ बंदे कुछ कहना चाहते हो आप दीपक गिरी? तो आपको ऑडियंस देख रही है, मैं ऐसी बिना एडिट करे डाल दूंगा, मैं बिना एडिट करे डाल दूंगा। तो भी बोलना चाहते हैं, बात करेंगे। मेरा मूड नहीं है, इनका मूड खराब हो चुका है, इनकी बिल्कुल फट चुकी है। सबसे पहले तो यार आपकी सेफ्टी जो है ना वो आपके हाथों में ही है, एंड लेट्स प्रे फॉर द वर्ल्ड की जल्द से जल्द कोरोना वायरस का खात्मा हो जाए। कहीं बाहर से आए हो तो आते के साथ ही सोप से हाथ धो लीजिए, या तो आपके पास अल्कोहल बेस्ड हैंड रब होगा उससे धो लीजिए, या तो आपके पास कोई सैनिटाइजर होगा उससे अच्छी तरीके से हाथ धो लीजिए। सो सी एवरीबॉडी, सब तालियां बजा रहे हैं। एवरीबॉडी, तो इट्स वेरी मतलब खुशी का यार माहौल बन चुका है हमारे लिए एंड सबके लिए, तो आपको भी ताली जरूर बजानी। सबसे बेस्ट था अभी जो ले गया है, सबसे बेस्ट था भाई। तो भाई यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने घर से, तो सबको देख लो, ये देखो सारे अपने घर में बजा रहे हैं यार, हम भी बजाते हुए जो चला। सो गाइस, बोर होने की सीमा हो गई है अपरंपार। तो पापा भी मेरे कह रहे हैं यार इतना बोर हो चुका हूँ कि मतलब मैं घर में बैठना ही नहीं चाहता। पापा क्या क्या कहना okay. चाहते हो आप? क्या कहना चाहते हो? बोर हो चुके हो गंदी तरीके से? तब जब क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा तब क्या करोगे सबसे पहले? काम पे जाऊंगा। काम पे जाओगे और कुछ नहीं करोगे? ये सही। देखो गाइस, आप कहीं भी बैठे हो नो मैटर, जहां भी आप पढ़ रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, अपनी एडिटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपको बस क्या करना, हाथ जोड़ना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। भगवान मेरे को जो भी चाहिए फलाना ढिमकी, जैसे मेरे को चाय चाहिए होती जाता है, तो हे भगवान प्लीज मेरे सामने चाय रख दो अपने आप ही, तो फटाफट वो चाय आ जाती है मेरे सामने। तो ये मैं किनके साथ करता हूँ? इनके साथ करता हूँ, है ना? तो आपको कैसा लगता है जरा बताइए, आप भी करके बताइए थोड़ा सा। दोनों करते हैं, दोनों हे भगवान मेरे सामने रख दी। सो गाइस, पूरा एक घंटा रह गया है भाई, अपने दरवाजों पे जरूर कैंडल जलाना या फिर बैल्कनी में रख देना, ठीक है? और भाई सभी से एक चीज रिक्वेस्ट है, 9 मिनट के लिए खड़े जरूर रहना है फ्लैश लाइट जला के अपने मोबाइल की, कि आपके पास कोई घर पे टॉर्च हो वो भी जला देना, ठीक है? मतलब सब जला देना पर लाइटें घर की बंद करके ही जलाना। एंड सब ने यार मोमबत्ती लगानी स्टार्ट कर दी, हमने भी लगा दी अपने एक एक फ्लोर पे, छत पे भी लगा चुका हूँ। एंड छत का तो नज़ारा ही बड़ा मस्त सा है, वहाँ तक देखो, ये देखो बंदे बम फोड़ रहे हैं भाई। मेरे को पक्का पता था, मैंने ब्लॉग में बताया था कि यार बम पटाके तो फूटेंगे ही, गारंटी है। कार मत चला दियो, ये सबसे यूनिक है। हाँ वही तो चीज है ना, अरे वो गिर जाएगा यार, तभी कह रहे उसको पा, उसको पा। जैसे देखते हैं लॉकडाउन की डेट कब तक बढ़ रही है, जैसे न्यूज लगा दो। ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। Oh no! भाई लॉकडाउन बढ़ गया। हाँ भाई पता चला भाई, अभी भी न्यूज़ देख के भाई तोता बना दिया भाई, पूरा दिन घर पे बैठा रहता हूँ एक ही कमरे में। आ जा भाई पूरा दिन पबजी खेलेंगे 100 आरपी करने के। 24 घंटे पबजी, जिंदगी खराब हो गई है। हेलो हेलो हेलो, अबे दीपक बात कर रहा हूँ। हाँ और कैसा है? सब बढ़िया। भाभी इधर आना, बताना इसको क्या, इसको बताओ मैं कहाँ बैठा हूँ।
हॉस्पिटल में बैठा ही है। अचानक सर बताओ रातों रात क्या हुआ? इसकी तबीयत खराब हो गई रातों रात। और सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी? बताओ इसको, सब बताओ, मेरे को बताना क्यों पड़ रहा है। तुम बता दो दिया, मैं कितने बताऊंगी यार। सच में यार तेरे जैसा दोस्त हो ना, मजा ही आ जाए यार लाइफ में। अबे नहीं यार, मैं दूसरी बारी तेरे पास प्रैंक कॉल कर रहा हूँ और तूने भाई सच में यार मजा आ गया। अबे भाई दिमाग में सिर्फ पता है कौन आया तू। फिर मैं सोचा यार तेरे पे भरोसा करूँ या ना करूँ, मतलब मुझे ये सोचा। बता एक चीज बता ना, पास ही बनवाने पड़े। तू मुझे एक चीज बता ना कि तेरे को भरोसा करूँ या ना करूँ। हंसी भाई तू बात तो बता, हंसी आ रही है भाई। चुप, मैंने वो कह रहा भाई देख कोई गारंटर रख दे कि भाई वो साइन कर दे कि तू भग जाए तो मैं उससे सारा पैसा ले। किस चीज का है? पैसा ले रहा हूँ 5,00,000 रुपये एक बंदे से। वो कह रहा कोई भी एक गारंटर रख दे। तब वो बात नहीं, मेरा मतलब पैसे किस बेस पर ले रहा है? सक्सेसफुल हो गया भाई। ब्रो तेरे में प्रैंक हुआ है पता है तुझे? भाई मैं प्रैंक, ये देखो भाई विश्वास नहीं कर रहा वो। गाइस इट्स अ प्रैंक, रियल बता रहा हूँ। अभी अपनी चकल नहीं दिखा रहा, मुझे पता है इसको दिखा, अपनी चकल दिखा जल्दी जल्दी जल्दी। अबे ताकत तो कुछ नहीं था, तेरी लॉयल्टी टेस्ट कर रहा था साले। बस चूतिया, तू मेरा भाई है यार। ये वीडियो आ गया है। काकी चाय कैसे बनी है? बहुत मस्त मजा आई ना, पहली बार बनाई इतनी ज्यादा। तो चलो भाभी को भी देख आते हैं। अब ले गया हम भाभी का रिव्यू, हमने चाय कैसे बनाई है पहली बार, इतनी ज्यादा चाय आपने जैसे कि देखा। तो मैं यहाँ रख देता हूँ कप को, ठीक है। अब आपके हुलिया कैसा आ रहा है वो मैं कैसे कह नहीं सकता। आप इधर आए, इधर आ जाए, करो इधर आ जाए, इधर इधर जगह। ये ना हुलिया बिल्कुल सब खिला दे भाई। हेलो भाई, चलो ठीक है। तो उसमें क्या क्या, ये भी देख लो, पूड़ी है, पापड़ है एंड चटनी, आलू गोभी और केला, बैंगन, सेब, आलू, चावल और यहाँ पे फिश, जैसा कि आपको बताया था नॉन वेज होता ही होता है। तो भाभी ये सब खाने के लिए आप रेडी हो? हाँ भाभी, थोड़ा थोड़ा तो रेडी हो ना, ठीक है। इससे पहले कभी खाया है? खाया है ये इतना बड़ा नहीं खाया। अरे वो आप खाना थोड़ी ना, हल्का टेस्ट करना है। इसका सो 2020 का एक और नया नुकसान। तो ये पूरा टूट गया, ये देखो, देख रहे हो। चलो सह लेंगे, थोड़ा सह लेंगे भाई। 2020 हमारी जिंदगी से जाने वाला है, बट ये कोरोना वायरस कभी नहीं जाएगा हमारी जिंदगी से, ये रहेगा ही रहेगा। सो 2021 में हम एंटर होंगे एंड भाई खुशी से मिल रही है 2020 जा रहा है, बट लेकिन एक दुख है कि भाई कोरोना वायरस ने किया, वो मास्क है ना जो, वो अभी तक मुंह में है साला। चलो कोई नहीं भाई, सेफ्टी आपके हाथों में ही है। मैं यहाँ पे ज्ञान देने नहीं आया, बस ये बोलने आया हूँ। काफ़ी टाइम बाद भाई भाई जॉब पे थोड़ा बिजी था, तो इस वजह से काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। एंड मेरी तरफ से आपको विशेज है 2021 की, खूब तरक्की करो 2021 में। एंड मैं सोच रहा हूँ 2021 के पहला दिन मैं वीडियो अपलोड करूँ, ताकि मुझे भी अच्छा लगे एंड आप लोगों को भी अच्छा लगे कि फर्स्ट डे फर्स्ट वीडियो, कोई से भी हो, जोन सी मर्जी हो, बट पहली वीडियो अपलोड करनी है। बट लेकिन ये जो मेरी जर्नी थी 2020 की, सबसे वर्स्ट जर्नी थी। मैंने बहुत सारे प्लान्स बनाए थे एंड काफ़ी सारे बंदों ने बनाए होंगे 2020 में प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स थे मेरे जाने के, बट कोई बात नहीं, लॉकडाउन में निकल गए एंड मैंने हार नहीं मानी। एक टाइम को मान भी ली थी बट डटे रहे कि भाई नहीं वीडियो बनानी तो बनानी है। तो काफ़ी सारी मैंने क्लिप्स लगाई है एंड लिमिटेड है, काफ़ी सारी का मतलब लिमिटेड है। तो देखना जरूर, इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना एंड मेरी मोटिवेशन के लिए अगर आप लाइक कर दोगे तो मुझे खुशी से मिलेगी, ठीक है। सो आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड अ मैरी क्रिसमस, जो चला गया मैंने आपको विश भी नहीं करा। बिलेटेड मैरी क्रिसमस एंड एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर।
ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पे भी आ रहा होगा। बाकी बराते हैं, सह लेंगे थोड़ा 2021 को भी, क्योंकि पता नहीं ना 2021 में क्या क्या होने वाला है। 2020 तो बहुत कुछ दिखा गया, एंड 21 पता नहीं क्या दिखाने वाला है। होप सो पॉजिटिव रहे, एंड हर कोई पॉजिटिव रहो, खुश रहो लाइफ में, एंड टेल देन बाबा टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहो, सेफ रहो। 2020 की ये आखिरी वीडियो, चल निकल 2020।